कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार करने के आदेश। पशु परिचर भर्ती 2023 का है मामला। याचिकाकर्ता चित्तौड़गढ़ निवासी रवि प्रकाश की ओर से अधिवक्ता हनुमान सिंह चौधरी ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन परिचर भर्ती के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी किया, जिसमें 1 जनवरी 2024 को आयु सीमा की गणना की जानी थी। विज्ञापन में कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर 31 दिसंबर 2020 को पात्र अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2024 तक आयु में मानने का प्रावधान वर्णित किया गया। याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग के अंतर्गत इस छूट के लिए पात्र था। बोर्ड द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदन पोर्टल नहीं खोला गया, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। इसके बाद संशोधित विज्ञापन 12 जनवरी 2024 को जारी कर आयु सीमा गणना की दिनांक 1 जनवरी 2025 निर्धारित कर दी गई। परिवर्तित गणना तिथि के कारण याचिकाकर्ता आयु सीमा में पात्र हो गया और आवेदन नहीं कर सका। इस प्रकार से ऊपरी आयु सीमा में अपात्र होने से याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बोर्ड के तथ्य को गलत मानते हुए पूर्व में जारी विज्ञप्ति 2023 के प्रक्षेप में याचिकाकर्ता को आयु सीमा में पात्र मानते हुए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए।